your 6 month master plan to crack CUET hey guys welcome to my channel i am ananya प्लीज सब्सक्राइब सो इन केस यू गाइज डोंट नो आई मो फाइनल यूर स्टूडेंट ऑफ बी कॉम ऑनर्स एट द श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स डेली यूनिवर्सिटी एंड दन क्वेश्चन में इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी ईटी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई नो तुम्हें से काफियों का सपना है टू कम टू एस आर सी सी और इवन द टॉप कॉलेज ऑफ डेल्ही यूनिवर्सिटी एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्टेप बाई स्टेप सिक्स मंथ स्ट्रेटेजी टू हेल्प यू गाइज क्रैक योर सी ई टी एग्जाम अलॉन्ग विथ प्रिपेरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम नहीं चाहती कि एक एग्जाम प्रिपेयर करने की वजह से दूसरे मंथ ऑफ मे एंड है प्रिपेयर करने के लिए एंड बोर्ड एग्जाम्स विल स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड ऑफ फेब्रवरी एंड दिल कंटिन्यू टू द मार्च एंड मे बी अप्रिल सो एज ऑफ नाउ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से तुम्हारे डेली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है इट इज सोनली बेस्ड ऑन बट दैट इज नॉट तुम्हारे बोर्ड में कम आने चाहिए बिकॉज बाद में दीज मार्क्स कैन अफेक्ट योर प्रोफाइल स्पेशली इफ यू गो फॉर एन एम बी एंड नाउ फॉर सी टी विच इज द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट इसके थ्रू तुम्हें डेही यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा इवन सम अदर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अ फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो आव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस यू कैन चेक दट आउट इज वेल आई एम शोर यू ऑलरेडी नो सी टी का पैटर्न कैसा होता है फर्स्टली यू हैव टू गिविंग्वेज टेस्ट सो यूज इंग्लिश हिंदी या कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है अकॉर्डिंग टू वॉट यू स्टडी फिर आते हैं डोमेन सब्जेक्ट मतलब एंड जनरल टेस्ट एज द नेूड टेस्ट जिसमें कौन सी क्वेश्चन एल आर डी एस आंसर करने होते हैं एंड नाउ दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम अगले छह महीने में कैसे दोनों के लिए तैयारी करोगे

या दो तीन घंटे से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी काफी प्रेपरेशन हो जाएगी time, अब बात करते हैं कि अगले दो महीने में तुम्हें क्या करना है? So months, तुम्हें सारे करने. जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा फाउंडेशन होगा उतना ईजी होगा दोनों एग्जाम्स को क्रैक करना बिकॉज सीईटी एंड बोर्ड का जो बेसिक सिलेबस है वो एक्जेक्ट सेम है अब जब तुम डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो तुम्हारी सीईटी एंड बोर्ड दोनों की प्रेप हो जाएगी बट बाकी टाइम में अगर तुम्हें जनरल टेस्ट देना है तो तुम्हें उस सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए अलोंग विद द लैंग्वेज इसलिए तुम दिन के कुछ घंटों में डोमेन सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और बाकी टाइम दूसरी एक्स्ट्रा चीजें कवर कर सकते हो एंड एम इज नॉट टू मेमोराइज बट एक्चुअली रिमेम्बरस्टैंड वॉट यूर स्टडी तो यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद प्रॉब्लम सोलविंग स्टडी सेशन भी इंक्लूड करने होंगे एंड नाउ टू हेल्प यू गाइस प्रिपेयर बेटर फॉर सी एंड आई नो तुम पूछोगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन ओसवाल बुक्स एनटीए टी यूजी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक जिसमें सोल्व पेपर्स भी हैं फ्रॉम ट्वेंटी 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 अभी यहाँ पे मेरे पास जनरल टेस्ट के दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल लेकिन इनके पास सारे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है एंड इससे बी हंड्रेड परसेंट एग्जाम रेडी बिकॉज फुल्ली सोल्व क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है ताकि तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो देसो है सोल्व करने से पहले एक बार चैप्टर भी गो कर सकते हो अलॉन्ग विदकोर्स स्मार्ट माइंड मैप्स एंड गिवन है अंदर एंड सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम लाइक टी टाइम का बहुत बड़ा रोल है एंड तुम्हें questions को बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करना होगा एंड इनकी बुक्स में काफी ट्रिक्स एंड शॉर्ट कट्स अवेलेबल हैल्सो गिविंग यू दाइनल बूस था ताकि तुम अपना सीयूटी ट्वेंटी फोर एज कर पाओ इन दर्स्ट अटेप सेल्स आईव बिन ओसवाल बुक्स सिंस माई क्लास ट्वेल्व एंड आई ट्रूली ट्रस्ट देम एंड यू गाइस शुड देम टू सो

फोर में होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के मॉक पेपर्स करने स्टार्ट करने होंगे इस टाइम पर तुम अपनी सीवीटी की डिपेंडिंग ऑन वॉट योर शेड्यूल बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिएजी हो जाएंगे क्योंकि तुमने बेसिक्स को कवर कर ही लिया है अब तुम्हें सीखने के आंसर कैसे लिखने और तुम्हें टाइम की प्रैक्टिस करनी है की तीन घंटे में कैसे बोर्ड एग्जाम को एग्जाम अच्छे से सोल्व करना है सो यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिस इंग योर मॉक पेपर सैम्पल पेपर्स विदर टाइम लिमिट

मॉक्स तो so, एक बार तुम मॉक दोगे तो दो तुम्हें अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस फिर से मॉक दोगे तो तुम्हारा ऐसे ऐसे करके स्कोर भी इंप्रूव होता जाएगा एंड दिस इज टाइम फ्रेम जहां पे यूर गोइंग टू फाइन ट्यून योर नॉलेज टू अंडरस्टैंड सी में एक्सैक्टली exactly आता क्या है और कैसे पूछा जाता है एंड लास्ट इज मंथ सिक्स अगर टाइम बचता है बिफोर सीयूईटी तो लास्ट में तो सिर्फ तुम्हें रिविजन ही करना है अपने डाउट सोल्व करने नए टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सो अवॉइड दैट होपफुली होप फुल सब कुछ कवर कर चुके हो अब तुम्हें सिर्फ क्विक रिविजन करना होगा एंड हैव टू एंश्योर कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा है ज्यादा एग्जाम का यू जस्ट एंड बी टाइम तक तुम्हें जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया होगा तो लास्ट मिनट पे तुम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे तो इसलिए तुम्हारे मन में बस एक ही गोल होना चाहिए कि CUT तो फोड़ के ही आना है एंड विद डेट सी की पूरी सिक्स मंथ स्ट्रेटेजी हो गई है कम्पलीट ना ऑब्वियसली एग्जैक्ट डेट्स तो पता नहीं है बोर्ड एग्जाम और सी की तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है सो मेक श्योर योर प्रेपरेशन इज अकॉर्डिंगली डन एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट हार्डवर्क ऑलवेज बेज ऑफ सो अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हार को सीयूटी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है एंड आई नो आई एम गोइंग टू सी सो मेनी ऑफ यू गाइज इन एसआरसी और इवन नॉर्थ कैंपस और डेली यूनिवर्सिटी एंड विद दैट आई गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट योर अगर तुम्हारे पास और भी कोई डाउट्स क्वेश्चन है इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट समथिंग स्पेसिफिकली डू लेट मी नो इन दॉमेंट्स एंड आई बैपी टू मेक वन फॉर यू गाइज सो यू मेरेटेड योर कॉमेंट दिस मोर रीजन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो I really hope you guys found this guide helpful. And if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends, follow me on Instagram, and until next time, bye.